नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जेंट स्वेटर के लिए सिंगल कलर में एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लाई हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लगते हों तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, तो मैंने 14 फंदे डाले हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। पहले लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन का लाइन नहीं है बल्कि ये बेस लाइन है। तो डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होगा। पहले लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने पहले लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड में, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1, 2। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। ये मेन लाइन है तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2। अब दोनों फंदों को बाईं सिलाई में कर लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे और फिर दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में और उनको वापस अपनी ओर लाएंगे। अब 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीछे से हमने 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा बुना था। अब ये जो 2 फंदे उल्टे हैं वो सामने की तरफ से 2 फंदे सीधे हो गए, तो इन 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और इन्हीं दोनों फंदों में हमें डिज़ाइन बनाना है। यानी इन दोनों फंदों को हम बाईं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे की तरफ और फिर इन दोनों को दाहिनी सिलाई में। यानी देखिए, ये जो हमारा धागा है इन 2 फंदों के दोनों चारों तरफ लिपट जा रहा है। देखिए, ये धागा यहाँ गया और वापस आगे आ गया, यानी धागा इन दोनों फंदों के चारों तरफ लपेट लिया गया है। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, उन्हें हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, फिर ये 2 फंदे सीधे आ गए तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाईं सिलाई में ले लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, फिर दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में। अब उन देखिए, इनके चारों तरफ लिपट गया, उन वापस अपनी तरफ ला दिए तो ये धागा जो है वो इन दोनों फंदों के चारों तरफ लिपट गया। अब ये नॉर्मल 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा। इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम वापस आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये 2 फंदे सीधे हैं तो उन दूसरे को करेंगे, इन्हें हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर। देखिए, ये हमने लपेट के बनाया था, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ डिज़ाइन बन रहा है, उनको अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2। अब देखिए, ये डिज़ाइन वाले 2 फंदे हैं तो उनको फंदों को हम बाईं सिलाई में ले लेंगे, उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे,
फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको आगे की तरफ देखिए, अब दो फंदा उल्टा। नेक्स्ट ये डिजाइन वाले दो फंदे, इन्हें भी हम उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे, वापस दाहिनी सिलाई में दोनों फंदों को, और उनको घुमाकर आगे की तरफ ला देंगे। इस तरह करने से ये जिग जैग जैसा डिजाइन बनता चला जाएगा। दो फंदा उल्टा, डिजाइन के दो फंदे, इसे भी हम उल्टा बुनेंगे। दोनों फंदों को बाएं सिलाई में, उनको पीछे की तरफ, दोनों फंदों को दाहिने सिलाई में, और ऊन घुमाते हुए वापस अपनी तरफ। लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है और ये ऐसे जिग जैग बनता चला जाएगा। रॉन्ग साइड से उल्टे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है, सीधे बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, तो दो ही लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, ऐसे ही ऊपर की तरफ ये जिग जैग बनता हुआ चला जाएगा और बनने के बाद बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।